सिद्ध कीजिए कि करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना? तो अब देखो, अगर हमको इसको करणी में तीन को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम एक विरोधाभास के द्वारा इसे सिद्ध करेंगे, अर्थात हम गलत माने। इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में तो हमें कोई जानकारी मिलती नहीं, बस तो हम यही जानते हैं कि उसे पी बटे क्यूब के बारे में नहीं लिखते, पी बटे क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, बस हमारे पास यही तो जानकारी है। तो ऐसे कहते हैं कि करणी तीन को पी बटे क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ऐसे तो कर नहीं सकते। लेकिन परिमेय संख्या के बारे में हमारे पास जानकारी है। क्या जानकारी है? कि परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, उसमें क्यू जीरो नहीं हो सकता है और पी और क्यू सब अभाज्य संख्याएं होती है, अर्थात उनका मास एक होता है। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान, दो बच्चे तीन गलत वो तो हमारा तीन बटे दो, उसमें तुम्हारा तीन बटे दो नहीं, ये भी नहीं गलत, ये भी सही है। ये तुम्हारा चला जाता है परिमेय संख्याओं का एक प्रकार बोलते हैं उसे उचित और अनुचित भिन्न, उचित और अनुचित भिन्न। ये हमारा उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। ठीक है? मतलब किसी भी बारे में जो परसेंटेज, ये समझ लो परसेंटेज के रूप में चला जाता है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसका आएगा भाग देने के बाद तुम्हारा 0.66 आएगा ना, 100 से इसका पूरा करो तो 66% आ जाएगा। ठीक है? अगर इसका करें तो 1.50 आएगा ना, लेकिन इसमें 100 से पूरा करें तो 150% आ जाएगा। तो परसेंटेज के रूप में कौन कौन सा होता है? प्रतिशत हमारा मैक्सिमम कितना परसेंट हम मानते हैं? 100% ही तो मानते हैं ना, हमने 100% नंबर पा लिया, कहते का 101% नंबर पाए, ऐसा तो होता नहीं। तो इसका मतलब इसमें उचित कौन लग रहा है? जो 66% वाला है, इसलिए हमारी उचित भिन्न होती है और ये अनुचित होती है। ठीक है? वो तो परिमेय संख्या को कगार में जाता है, ये मत कहना कि ये तुम्हारा गलत है। ध्यान देना, नहीं तो जो बता रहे हैं उसको देखते रहना और कहीं मिलेगा तुमको ही बताना। तो अब देखो, करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए हम परिमेय संख्या के रूल में लेके चलते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में हमारे पास जानकारी तीन हो जाती है। एक तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, तीसरा पी और क्यू का जो मात्रा होता है वो एक होता है। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं कि करणी में तीन एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम करणी में तीन को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब करणी में तीन को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो पी और क्यू का मात्रा एक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद हम यही सिद्ध कर देंगे कि पी और क्यू का मात्रा इसमें एक नहीं होगा। हम यही सिद्ध कर देंगे कि पी और क्यू का मात्रा इसमें एक नहीं होगा। अच्छा, हमारा मानना गलत है कि करणी में तीन एक परिमेय संख्या है, इसलिए करणी में तीन एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, बस। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में इसके, ध्यान से देखते जाओ। माना करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, अरे परिमेय संख्या है, ठीक है? इसलिए इसे किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हो गया? तो अतः क्या होगा, करणी में तीन बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। अब संख्याओं को करणी में छोड़ना सही नहीं होता, करणी खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा?
वर्ग करना होगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट लेना इसको, क्योंकि फिक्स सवाल है, ध्यान दिए रहना। तो इसका वर्ग कर दिए, करणी में तीन का वर्ग बराबर पी बट्टे क्यू का वर्ग। ठीक, तो यहां पे हम लिखें करणी तीन का वर्ग तीन बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, या कहें तो पी स्क्वायर, इसका तिरछा पूरा इधर हो जाएगा ना, पी स्क्वायर बराबर हो गया तीन क्यू स्क्वायर बना। यहां से हमारा बन गया इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। तो अब देखो पी स्क्वायर बराबर आया तीन क्यू स्क्वायर, तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो p का वर्ग है q के वर्ग में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है। नहीं समझे, जो p का वर्ग है वो q के वर्ग में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस समीकरण से ये निष्कर्ष निकल रहा है, जैसे हम कहें कि 15 बराबर तीन गुणा पांच, ठीक है ना, तो इसमें जो 15 है, मान लो 15 को हमने मान लिया पी स्क्वायर, ठीक है, पांच को हमने मान लिया क्यू स्क्वायर, देख रहे हो। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो 15 है पांच में तीन का गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, हो रहा है, 15 जो है पांच में तीन का गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। अतः जब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें ये तीन अवश्य आएगा, आएगा, ध्यान देना, जो 15 था वो पांच में तीन का गुणा करने पर प्राप्त हुआ, हुआ। इसका मतलब जब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें तीन अवश्य आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो निष्कर्ष यहां से हम इसको रखते हैं, इसको प्रतिस्थापित किया जाए, 15 को छोड़ के पी स्क्वायर पे पहुंचे और 5 को छोड़ के कहां पे पहुंचे, क्यू स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर मिल रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। जैसे यहां पे देखो 15 बराबर 3 गुणा 5 था, तो 15 जो है 5 में 3 का गुणा करने पर मिला था, तो इधर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में कितने का गुणा करने पर मिलेगा, 3 का गुणा करने पर मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसमें क्या आएगा, 3 अवश्य आएगा, आएगा। और जब पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया तो पी के अभाज्य गुणनखंड में 3 अवश्य आएगा। कैसे कर सकते हैं ऐसा, जैसे एक चीज देखो, हमारे पास अगर 25 है, मान लो पी स्क्वायर बराबर क्या है 25, तो इस 25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो पी बराबर क्या मिलेगा हमको ये बताओ। जब पी स्क्वायर बराबर 25 मिला तो पी बराबर 5 मिलेगा ना, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड तरीक निकाल दो, 5 आया कि नहीं आया। इसका मतलब अगर किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंड में वह संख्या, कोई अभाज्य संख्या आ रही है, तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी वह अभाज्य संख्या अवश्य आएगी। बस अंतर क्या होगा कि उसके वर्ग में वो दो बार आएगी, इसके में एक ही बार आएगी। जैसे 25 में देखो 5 5 दो बार आया है, लेकिन जब इसका वर्गमूल निकाल दिया 5 केवल कितनी बार आया है, एक बार आया। इसी प्रकार अगर हम 225 का निकालते हैं, 225 का आता है 3 × 3 × 5 × 5, और जब 225 का मान लो इसको हमने पी स्क्वायर मान लिया है, 225 का वर्गमूल होता है कितना, 15, 15 का निकालें तो कितना आएगा, 3 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बात को ध्यान से समझो, जो अभाज्य संख्याएं इसमें आई है वही अभाज्य संख्याएं इसमें भी आएंगी, आएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है, किसके अभाज्य गुणनखंड में, पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है, तो पी के
अभाज्य गुणनखंड में भी तीन अवश्य आएगा, भले एक बार कम ही आए। जैसे यहाँ पे देखो तीन तुम्हारा दो बार आया है, लेकिन इसमें देखो तो तीन केवल कितनी बार आया, एक बार, लेकिन आया तो है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो तीन छूट जाए? कभी नहीं ऐसा हो सकता है, वो आएगा अवश्य। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या में ये दो बार है, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही दो बार घट के एक बार हो जाता है, होता है। ये पांच दो बार आया, ये भी घट के कितनी बार हो जाता है? एक बार। इसका मतलब वो आएगा जरूर, हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे चीज और लिख लो, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू का महत्व कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। यही हमारा गलत होगा अभी। पी व क्यू का महत्व एक होना चाहिए, हो गया। तो इतना उतार लो, फिर नीचे लिखवाते हैं। जो अभी हमने समझा वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि, देखो, इस समीकरण से स्पष्ट है कि, इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि हो गया P स्क्वायर क्यू स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है हो गया। अतः पी स्क्वायर तीन से अवश्य कटेगा, या पी स्क्वायर तीन से अवश्य विभाजित होगा। पी स्क्वायर तीन से अवश्य विभाजित होगा, हो गया ना। अगले काली पेन से लिख लेना। इसलिए पी भी तीन से विभाजित होगा। हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना। कैसे हुआ? जैसे वहां पे देखो पी स्क्वायर बराबर हमारा मान आया था 225, तो 225 अगर तीन से कट रहा है, तीन से कट जाता है, तीन सौ इक्कीस, तीन पचे पंद्रह कटता है, तो पी मतलब पी स्क्वायर 225 था, तो पी कितना है? 15। तो क्या 15 तीन से नहीं कटेगा? अवश्य कटेगा। बस हमको यही समझना है। अब देखो, मान लो हमने देखा यहाँ पे पी स्क्वायर का मान 225 था, 225 तीन से कटा, तो पी बराबर जो 15 है, पी बराबर जो 15 है वो भी तीन से कट रहा है, कटेगा। तो अतः हम 15 को क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड वृक्ष से, क्योंकि हमको इससे पता चल चुका है, क्योंकि 225 तीन से कटा था, तो पी अर्थात 15 भी तीन से कटेगा। अर्थात 15 को हम तीन का गुणा एक संख्या कर दें, कितना? 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, अर्थात पी बराबर यहाँ हमको मिल गया 3 × 5। अब एक चीज तुम सोचो, क्या यहाँ पे हमको संख्या पता थी कि कौन सी संख्या है? यहाँ पर तुम्हारे पास केवल पी था ना। तो अब अगर हम पी को दो संख्याओं के रूप में तोड़ना चाहें, तब कैसे तोड़ें? अभी तो पी का मान 15 था, ठीक है ना।
तो पी का मान 15 था तो हमने 3 × 5 उसको कर दिया। लेकिन पी को तोड़ना चाहे तो कैसे तोड़ेंगे, ये देखो 3 है ना यहाँ पे दिख रहा है 3। अब एक का तो हमको पता चला ना 3 से कटेगा वो, दूसरा क्या लिखा है पता है क्या हमको? नहीं पता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, क्या क्यों मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि जो 225 अब एक चीज सोचो, यहाँ जो पी स्क्वायर था 3 में इस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये 3 छूटा तो बाकी पूरे किस में गए? क्यू स्क्वायर में गए, क्योंकि हमारा जो तर्क बना था 3 क्यू स्क्वायर का बना था ना, 3 को छोड़ने के बाद जितने बचे मतलब 3 × 5 × 5 3 × 15 = 75 75 अर्थात क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 75। तो क्यू की वैल्यू हमको यहाँ से मिल पाएगी क्या? 75 किसी का वर्ग है नहीं है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू हमको मिल ही नहीं पाएगी। अगर इस हिसाब से देखें तो क्यू की वैल्यू हमको मिलनी चाहिए 5 मिलनी चाहिए, तभी तो पी की जगह 3 × 5 = 15 होगा। इसका मतलब हम क्यू नहीं मान सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा अचर पद मानते हैं, कोई दूसरा अचर पद मान लिया, चर पद मानते हैं। मान लो हमने मान लिया यहाँ पे ए, क्या मान लिया ए, तो अब देखो क्या लिखे कि पी भी 3 से विभाजित हो जाएगा, हो गया ना? अतः हम P को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, नीचे लिखो, अतः हम P को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अभी तुमने पीछे देखो गुणनखंड, वो जो गुणनखंड वृक्ष तुम्हारा बना था उसमें कहीं x का वैल्यू पूछा था, y का वैल्यू, z का वैल्यू पूछा था ना, तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा P और ये दोनों का वैल्यू नहीं ज्ञात है, वो हमको समझो ज्ञात करना है, हो जाएगा? तो हमने वैसा मान लिया क्योंकि पता नहीं था ना, वहां भी पता नहीं था तो x माना गया था, y माना गया था, z माना गया था, यहां भी हमको पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, a मान लिया, हो जाएगा? तो क्या लिखे, अतः हम p को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिख सकते हैं? p हमारे पास है अर्थात हमारे पास कोई संख्या है, गुणनखंड वृक्ष से उसे दो पदों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 15 हमारे पास था तो इसको हमने 3 × 5 लिखा था। इसी प्रकार अगर हमारे पास P कोई संख्या है तो P को हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं, जिसमें से हमको एक संख्या पता चल चुकी है, क्या पता चल चुकी है? 3 पता चल चुका है। अभी मान लो जाके कर्णी 5 को प्रूफ करना होता तो सब जगह 5 आता, 7 को प्रूफ करना था सब जगह 7 आता, जो भी प्रूफ करना बस वही आता जाएगा तुम्हारा, परेशानी क्या है? एक को समझो, बाकी लिखते जाओ, संख्या बदल तो सारी चीजें वही रहने वाली है, ठीक है? ध्यान देना, तो 3 रहेगा, लेकिन क्या दूसरा हमको पता है? नहीं पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं P को दो भाग में 3 और A, अर्थात इसको P बराबर लिख के कहें तो 3 × A लिखेंगे, या P बराबर कहें तो 3A लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखो, यहाँ तक जो तुमने लिखा इसको तो लिखा ही है, इसके नीचे अब इसको लिखो, पी गोले में पी बनाओ, उसके नीचे का वृक्ष बना लो। कहाँ तक लिखे? पी को निम्न प्रकार लिख सकते हैं ना, तो पी को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिखो निम्न प्रकार, पी है उसके नीचे पी और ए लिखो, लिख लिए, अर्थात पी बराबर 3 × A, या पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3A। अब एक चीज समझे ना, वहां पे जो हमने काली पेन से लिखवाया कि P जो है 3 से विभाजित होगा, वो गांठ बांधे रहना, अभी वही काम में आएगा। P जो है 3 से, उसमें हमने लिखवाया ना कि P स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होता है, वही हमारा मुख्य रूप है, इसलिए उसको काली पेन से लिखने के लिए बोले हैं, अभी उसी की जरूरत हमको अंत में पढ़ने वाली है, ठीक? अब देखो क्या हुआ, इसलिए P बराबर क्या आया, 3A आया। तो हम तो P की चर्चा कर चुके हैं, दूसरी संख्या Q की चर्चा करनी है, तो दूसरी संख्या Q की चर्चा करने के लिए या तो हम यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे तो जा नहीं सकते क्योंकि करड़ी लगी है, इसी को हमने बल्कि क्या प्राप्त किया था, P स्क्वायर बराबर 3Q² प्राप्त किया था ना, अब पे चलते हैं। इस पे चलने के लिए अगर हम केवल Q की चर्चा करना चाहते हैं तो हमें P को गायब करना पड़ेगा, गायब करना होगा, और P यहां से हमको कितना मिल चुका है, 3A मिल चुका है, रख दो इसमें, हो जाएगा? तो नीचे लिखेंगे, अब P का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, बस तुमको ये ध्यान देना है, तो P की जगह 3A रख दो, 3A का वर्ग हो गया बराबर 3Q² हो गया, हुआ? तो 3 का वर्ग 9 और A² 3 इधर कूड़ा में इधर आ गए,
भाग में बराबर बचा क्यू स्क्वायर, तीन तिहाई नौ, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तीन ए स्क्वायर, दिखाई दे रहा है क्यू स्क्वायर का आपका मान क्या आ गया, तीन ए स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रकार से तुम इसकी भी चर्चा कर सकते हो, देख सकते हो इसी तरह तो बना समीकरण एक की तरह, बना कि नहीं बना, बस यहाँ पे q था यहाँ पे a है। तो अब इसमें क्या कहोगे तुम कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो q स्क्वायर है वो a स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, हो रहा है। अतः जो q स्क्वायर है वो किससे कटेगा, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर जो था q स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त हुआ, इसलिए जो p स्क्वायर है तीन से कटेगा, इसलिए p भी तीन से कटेगा। वही चीज हम यहाँ पे रखते हैं कि q स्क्वायर तीन से कटेगा अर्थात q भी तीन से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब एक चीज सोचो कि तुम्हारे पास दो संख्याएं मिली जो p और q की, यहाँ से जो हमने माना था इनका मौसा, हमने कहा था कि p और q का मौसा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, अर्थात इनके गुणनखंड में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन मिल गया तो वही मौसा हो जाता है ना। तो अब हमने सिद्ध किया यहाँ से, जब हम p को हल कर रहे थे तो उसके भी गा में तीन मिला था हमें, क्योंकि p तीन से विभाजित हो रहा था ना, तो p के गुणनखंड में भी हमको तीन मिला, और यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है q के गुणनखंड में भी हमको तीन मिल रहा है, मिल रहा है, अर्थात तीन जो है दोनों के गुणनखंड में आ गया। तो तीन तीन देखो दोनों में कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो अगर मौसा आएगा तो मौसा तो अब कम से कम तो तीन होना ही होना है, चाहे कुछ कर लो मौसा जो है अब कम से कम तीन होना ही होगा कि नहीं होगा। और जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि इनका मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि करणी में तीन एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसको फिर यहाँ तक लिखो, फिर वैसे ही नीचे लिखते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, वैसा ही इसको यहाँ भी लिखेंगे, वहां पर हमने पी स्क्वायर को लिखा था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को लिखेंगे। क्या कर रही है, p बराबर तीन, हाँ p बराबर तीन, अरे मतलब उसको ऐसे लिखे है ना कि p के गुणनखंड में ही आएगा, तीन के आगे और कोई संख्या हमको पता थी क्या इसके गुणनखंड में आता है, नहीं पता है हमको, कम से कम तीन की चर्चा, मतलब हमको अपना मान गलत सिद्ध करना था, एक से हमको हटाना, हटा दिया हमने, तीन ला दिए, हो गया खत्म काम। अब आगे जो भी है उससे हमसे नहीं मतलब है, तीन सत्य कई आ जाए, तीन बजे पंद्रह आ जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है, तीन आ गया नहीं आ गया, एक छोड़ के कुछ भी आ गया, हमने गलत सिद्ध कर दिया। पहले यहाँ तक नोट करो, पंद्रह नंबर दो तक, एक दो बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसमें से जो तुम चाहो तो स्टार्ट भी कर सकते हो, कुछ चीजें छोटी कर दो जो हमने इतना मतलब लिखा है उसके हिसाब से कुछ कम कर दो, कि तुमको गलत नहीं माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, और अगर विस्तार से लोग लिखते हो तो और ठीक है, नंबर सही मिलेगा। हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर तीन ए स्क्वायर हो गया ना। अब इसके नीचे लिखो, इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि हो गया, यहां पे देखना q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर देखो, इस समीकरण से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर हो गया कॉमन लाना, ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है, तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है, हो गया, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर में तीन का गुणा करने पर प्राप्त होता है, अतः अतः
अतः क्यू स्क्वायर, अतः क्यू स्क्वायर तीन से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा, हो गया ना, तीन से विभाजित होगा, हो गया ना, आगे काली पेन से लिख लेना। इसलिए इसलिए क्यू भी तीन से विभाजित होगा, क्यू भी तीन से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी तीन से विभाजित होगा, क्यू भी तीन से विभाजित होगा, हो गया ना। अब नीचे लिखते हैं, पैराग्राफ इन करना, नीचे लिखना। समीकरण एक और दो से अस्पष्ट है कि, समीकरण एक और दो से अस्पष्ट है कि, अब देखो समीकरण एक से क्या स्पष्ट निष्कर्ष हमारा निकला था कि P तीन से विभाजित होता है, और समीकरण दो से क्या निष्कर्ष निकला कि Q तीन से विभाजित होता है। तो अतः हम कहें कि P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड में तीन अवश्य आता है, ऐसा भी तो कह सकते हैं, विभाजित होने का मतलब अभाज्य गुणनखंड में ही तो आता है वो। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखे, स्पष्ट है कि पी और क्यू के, पी और क्यू के, पी और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में तीन आता है, तीन आता है, अतः तीन, अतः तीन, अतः तीन, हो गया। पी और क्यू, पी और क्यू दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होगा तीन, कॉमन लगाएंगे, पी और क्यू दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होगा, अर्थात उभयनिष्ठ होगा, हो गया, कॉमन होगा, हो गया ना। इसलिए इसलिए काली पेन से लिख लो, इसलिए पी और क्यू का, पी और क्यू का महत्व, महत्व कम से कम तीन अवश्य होगा, कम से कम तीन अवश्य होगा, कम से कम तीन अवश्य होगा, हो गया ना, जो हमारे मानने के विपरीत है, जो हमारे मानने के विपरीत है, जो हमारे मानने के विपरीत है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो हमने माना था ऊपर, P और Q सह अभाज्य संख्याएं, हमने यहाँ पे उसको विपरीत दिखा दिया, अभाज्य होने का मतलब उनका मासा एक होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे तीन तुमको मिला के दिखा दिया, अब जिससे सिद्ध हो गया कि कम से कम इसमें तीन तो अवश्य मिलेगा, बाकी आगे कुछ मिले चाहे ना मिले, कुछ मिला तो आगे बढ़ेगा, नहीं मिला कभी तो कम से कम तीन ही रहेगा, लेकिन एक तो नहीं आने वाला है, हो गया, क्या अब तीन, हाँ तीन इसमें आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि करणी में तीन को ही तो सिद्ध कर रहे हो, अभी करणी में पांच को सिद्ध करते तो पांच आता, सात को सिद्ध करते तो दादा, ठीक है ना, जो रहेगा उसी हिसाब का आएगा, हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, बस सारी चीजें एक ही है, संख्या बदलना तुम्हें। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हम नीचे लिख देते हैं लास्ट लाइन,
अतः हमारा मानना गलत है, या इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, अतः करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना, ये ध्यान में रखना, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब देखो इस हिसाब से तुम किसका किसका प्रूफ कर सकते हो। एक तो सिंपल तुमसे ये पूछ लिया गया कि करणी में तीन को सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, करणी में पांच को सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इस तरह से पूछ देगा, बताओ कि चार करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तुम्हारी थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो करणी के अंदर वाली संख्या है इसको उठा के तुम अपरिमेय प्रूफ कर दो, हो गया ना। तो चूंकि लिखोगे, चूंकि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब इसमें किसी भी परिमेय संख्या का गुणा कर दे तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अतः चार करणी में दो भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लो तुमको ये प्रूफ करना हुआ, करणी में तीन प्लस दो सिद्ध करने को बोल दिया कि बताओ एक अपरिमेय संख्या है, तब भी हम करणी में तीन को उठा के प्रूफ कर देंगे और कहेंगे चूंकि यह करणी में तीन सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या है, अतः इसमें कोई भी संख्या जोड़ने तो अपरिमेय ही आएगा। होगा कि नहीं होगा, उसके बाद से बटे में घात दे दिया तो वो उधर जाके तुम्हारा उल्टा बन जाएगा, उसी हिसाब से वो भी कर लेंगे, बनाएंगे वैसे ही हम। लेकिन प्रूफ करने को तुमको बस यही दिया जाता है, बट्टे वाला नहीं दिया जाता है, वो तुमने बट्टे जानकारी के लिए तुमको लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ केवल रूट वाला ही। उसके बाद देखो यही बोल दिया रूट थ्री प्लस रूट फाइव, तो इसमें दोनों आ गया ना, क्या कहोगे, दो बार सिद्ध करोगे? नहीं, प्रूफ तुम एक ही बार करो, करणी में तीन को प्रूफ कर दो, नीचे लिख दो इसी प्रकार करणी में पांच भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब तुमने लिख दिया तो हो गया कि तुमने जैसे ऊपर किया उसी प्रकार से ये भी, ठीक है, तो लिख दो इसी प्रकार करणी पांच भी एक अपरिमेय संख्या है, अतः दोनों का योगफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। चाहे जो भी सिद्ध करना हो, करना हमको इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इसमें कल लिखवा देंगे किसी परिमेय अपरिमेय संख्या में गुणा भाग किया जाए तो कैसे कैसे अपरिमेय संख्या होती है, बस वो तर्क हमारा हो जाएगा। अब इसमें का कोई भी सवाल लगा सकते हो तुम लोग, करणी में सात को घर से प्रूफ करके आओ, पूरा विस्तार से हो जैसे हमने बताया, उसमें कुछ चीजें अगर स्टार्ट हो सकती है तो अपना कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं खुला छोड़ दो, खाली लिख दो उसको समीकरण, एक लिखने के बाद पी तीन से विभाज्य होता है, ऐसे मत लिख देना। चलो बाकी चीजें करूंगी, करणी में सात को प्रूफ करके आओ तो देखा जाएगा।